मित्रों नमस्कार। लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, देखो एप्लीकेशन की बात है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन की आवश्यकता सभी के लिए होती है। इवन हम स्टूडेंट की बात करें, किसी एम्प्लॉय की बात करें, सामान्य व्यक्ति की बात करें, या फिर किसी पदाधिकारी की बात करें, ठीक है। तो आवेदन पत्र जो है वो सभी के लिए अहम हो जाता है। तो एप्लीकेशन की सीरीज में हम कई तरह का एप्लीकेशन आप लोगों के लेकर आप लोगों के सामने लाएंगे और उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, किस तरह डील करें, किस तरह अपनी बातों को प्रेजेंट करें, एप्लीकेशन किस तरह लिखें। तो आज जो है हमारा एप्लीकेशन जो है दैट्स डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, है ना, जो बच्चे हैं ना उनके लिए है, ठीक है। हम बच्चों को रेफर कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। तो एप्लीकेशन किस तरह लिखें, किस तरह एक्सप्लेन करें और उसका एक नैरेटिव क्या है, हम एप्लीकेशन किस तरह लिख सकते हैं, तो आज आपको हम समझाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट टाइप का है ये, ठीक है। यहाँ देखो टॉप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर बाएँ साइड में क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल अमरावती हाई स्कूल पुणे महाराष्ट्र। देखो हमने काल्पनिक नाम लिया है, ऐसा कोई स्कूल है नहीं, हाँ होगा भी तो हमारा वो विषय नहीं है, हमने काल्पनिक नाम लिया है तो ये स्कूल का नाम होगा, ठीक है। ये डेट हो गया, गॉट इट, आपका डेट हो गया। और साथ ही द प्रिंसिपल यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, फिर उसका स्कूल का नाम है, फिर जो स्कूल जहाँ पे सिचुएटेड है उस जगह का नाम है ना, उस प्लेस का नाम है, उस जगह का नाम, पीपल प्लेस, उस जगह का नाम है। राइट साइड में डेट है ना, दिनांक, हमने दिनांक लिख दिया, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये आपको दिख रहा है सब्जेक्ट हमारा क्या है, एस, एस फॉर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है। उसके बाद फिर आते हैं, फिर सैल्यूटेशन की बात आती है, आप अपने टीचर को कुछ तो रेफर करोगे, है ना, तो ये क्या है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, हमने लिखा यहाँ पे आपके टीचर जो हैं जिनको आप लिख रहे हो, सर भी हो सकता है मैडम भी हो सकता है, उसको मैंने लिखा यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम मेंशन कर दिया। आगे स्टोरी है, आप इंट्रो दोगे, क्या इशू है आप, सॉरी आप कौन हो, ठीक है, आपकी क्या स्थिति है वहाँ पे स्कूल में, आप क्या किस क्लास का स्टूडेंट हैं। उसके बाद फिर एक मैसेज दोगे, ये रीज़न है मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उसको नैरेट करोगे। आप फिर छुट्टी मांगोगे और लास्ट में उसको फिर कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो वही एक पैसेज है, वही एक मैसेज है, इसमें ये मैसेज है, एक कहानी है, एक स्टोरी है। और लास्ट में आप उनका आभार व्यक्त करते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं थैंकिंग यू योर फेथफुली आशीष मल्होत्रा, हमने नाम ले रखा है किसी का, है ना। तो चलो आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट तो सारे समझ गए आप, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, सबसे पहले द प्रिंसिपल अमरावती हाई स्कूल, देखो द प्रिंसिपल ये आप लेफ्ट साइड में आपने मेंशन कर दिया है ना, लेफ्ट साइड में आपने इसको मेंशन कर दिया, जिससे आप ये रिसीवर है क्या, ये आरफो रिसीवर जो आपके लेटर लेटर को रिसीव कर रहा है, एप्लीकेशन लेटर आवेदन पत्र को रिसीव कर रहा है, प्राप्तकर्ता। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा स्पेस दोगे, एक से दो, एक लाइन का आप स्पेस दोगे, कितने लाइन का, एक लाइन का। फिर सब्जेक्ट देना है एक लाइन के स्पेस के बाद, ध्यान रखना। और इसके राइट साइड में यहाँ पे आ जाएगा आपका दिनांक, डेट, ठीक है, ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट, अब देखो इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट, मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहूँगा कि माई नेम इज आशीष मल्होत्रा, मेरा नाम आशीष मल्होत्रा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर प्रेस्टिजियस स्कूल, मैं इस प्रतिष्ठित स्कूल के विद्यालय के कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, माय रोल नंबर जितना, मैंने रोल नंबर मेंशन कर दिया, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते रहें और हमें सुनते रहें, एक आइडिया आ जाएगा कैसे एप्लीकेशन लिखना है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा दैट आई एम नॉट इन अ स्टेट, कि मैं उस हालत में नहीं हूँ टू अटेंड द स्कूल, कि मैं स्कूल अटेंड कर सकूँ,
एज आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर स्टोमक पेन कोल्ड सिंस द लास्ट टू डे। अब देखो हमने क्या लिखा, रीजन दिया कि मैं सफरिंग फ्रॉम, अब किससे सफ़र कर रहे हैं आप। तो अगर मान लो हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, बुखार है तो हाई फीवर, पेट दर्द स्टोमक पेन, या आप इंजर्ड हैं तो बोल दो कि सिंस आई एम इंजर्ड, है ना, या एज आई एम इंजर्ड, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लो आपको कहीं अर्जेंट में जाना है तो लिख दो कि एज आई हैव टू गो समवेयर टू डू अर्जेंट वर्क। तो आपको आगे लिख देना है इस बात को, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रीजन आपका यही हो, मैंने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चलो अब एक पैरा चेंज कर देना, अब फिर लिखना कि अब देखो आई हैव बीन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर। अब देखो जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर में है वो लिखेगा, जो नहीं है वो लिख देगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ टाइम लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे कि इट विल टेक 4 to 5 days एज आई एम आउट ऑफ माई नेटिव प्लेस, मैं अपने नेटिव प्लेस या आई एम आउट ऑफ माई टाउन, मैं टाउन के बाहर हूँ तो 5 से 6 दिन लगेगा। आपको रीजन यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, बस ये बात समझ जाओ, टू द पॉइंट बात। अब देखो थोड़ा और नरेट किया इसने, हु हैज़ एडवाइस्ड मी टू हैव प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days, कि डॉक्टर ने हमें कम से कम 2 दिनों की आराम की सलाह दी है। देयरफॉर अब देखो रीजन मेंशन कर दिया अच्छे से कि क्या हो रहा है, क्या समस्या है, कितना दिन छुट्टी चाहिए, फिर लास्ट में लिखा देयरफॉर, अतः इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, आप भी लिखो कि आई रिक्वेस्ट यू या यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है कि टू काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया अवकाश प्रदान करें, फॉर 4 days 4 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करें, विद इफेक्ट फ्रॉम 16th February। मैं आपको सीधे पूरे वाक्य को समझाऊँ तो इसका होगा, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें दिनांक 16 फरवरी से 4 दिनों का अवकाश प्रदान करें। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू, मैं आपके प्रति आभारी रहूँगा। तो यही इसका मैंने मैसेज समझा दिया किस तरह एप्लीकेशन लिखा है। देखो उसके लिए क्या है ना, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप अच्छा एप्लीकेशन लिख सकोगे। उसके लिए हमने इनिशिएटिव भी लिया है, हम यहाँ हिंदू एनालिसिस आपके लिए प्रेजेंट करते हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदू एनालिसिस को आप देख सकते हैं, और साथ ही हम वोकैब सीरीज भी प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। और बच्चों एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो ना तो वोकैब की भूमिका जो है बहुत ही अहम हो जाती है, तो उसके लिए वोकैब सीरीज भी प्रेजेंट करते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखें जाके, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डेली ईच एंड एवरी डे वीडियो अपलोड होते हैं, तो बस उसे आपको देखना है, समझना है, तो इससे आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है, अब आगे आपको समझाते हैं। देखो फिर अब क्या था, हमने पूरा बॉडी समझ लिया, रिस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन के बाद हमने पूरा वो नैरेटिव उसका समझ लिया, बच्चे का क्या इशू है, वो बच्चा कौन है, एक इंट्रो दिया उसने, उसने अपना इशू बताया क्यों नहीं आ पा रहा है स्कूल, उसके बाद फिर कितने दिनों का आराम चाहिए उसे, फिर उसको अनुरोध कर रहा है कि हमें छुट्टी चाहिए, इतने दिनों के लिए अवकाश चाहिए, और लास्ट में जिसको वो लेटर लिख रहा है उसको धन्यवाद कहते हुए नीचे लिखेगा लेफ्ट साइड में, थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, यू फेथफुली, आपका विश्वासी आशीष मल्होत्रा। मैंने किसी का नाम लिख दिया है, ज़रूरी नहीं कि सभी आशीष मल्होत्रा ही हों, आप अपना नाम वहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब क्लास है, क्लास का आपको लिखना है, 11th या जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर रोल नंबर आपको अपना लिखना है, ठीक है। तो यही इसका आपका आज का एप्लीकेशन था। तो देखो नेक्स्ट टाइम फिर एक नया एप्लीकेशन लेकर आएंगे, जिसमें कोई एडिटर का एप्लीकेशन हो सकता है या कुछ भी, या स्टूडेंट का एप्लीकेशन कुछ दूसरे रीजन से जो छुट्टी मांग रहा है, वो कोई स्टूडेंट जिसको किसी दूसरे कारण से छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, वैसा एप्लीकेशन लाएंगे। तो डेफिनेटली आई प्रोमिस यर, मैं यहाँ वादा करता हूँ आपसे कि आपको एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिखने में हम एकदम एक्सपर्ट बना देंगे, निपुण कर देंगे, स्किल्ड कर देंगे, है ना। एक बार फाइनल देख लो, व्यू देख लो एक बार कि द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल, उसके बाद फिर आप लिखोगे क्या स्कूल का नाम, टू ऊपर में आप चाहें तो टू भी लगा सकते हैं ना, द प्रिंसिपल के ऊपर में टू अ कोमा, फिर नीचे द प्रिंसिपल, फिर अमरावती हाई स्कूल, फिर उसका कहाँ सिचुएटेड है, जगह लिख दोगे, लिखा हुआ है पुणे महाराष्ट्र, आप भी लिख सकते हैं अपनी जगह का नाम लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे आप, है ना, एक लाइन का,
फिर लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, विषय क्या है, अप्लीकेशन फॉर लीव लिखा हुआ है, आप इसे रिक्वेस्ट फॉर लीव भी लिख सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर लीव भी सही है, ठीक है, ओके। या आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लीव अप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह लिखते हैं, बट एक मतलब बट ये 5 से 6 शब्दों का सेंटेंस होना चाहिए, कोई लेंदी नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। फिर उसके नीचे फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है ना, फिर उसको नैरेट करेंगे स्टोरी को, ठीक है, और उसके बाद इंट्रो लिखना है, उसी स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, इंट्रो लिखना है, आपका मैसेज लिखना है, फिर रिक्वेस्ट करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर जितने दिनों का छुट्टी चाहिए, आई विल बी आपका सब ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति आभारी रहूँगा, या आई होप फॉर योर कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में लेफ्ट साइड में थैंकिंग यू, या थैंकिंग यू आप नहीं भी लिखें, सीधा लिखें योर फेथफुली, या रिगार्ड्स लिख दें आप, योर फेथफुली की जगह पे रिगार्ड्स लिख दें, थैंकिंग यू नहीं भी लिखें चलेगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे नीचे में, रिगार्ड्स लिख दो, अपना नाम लिख दो, यहाँ आशीष मल्होत्रा लिखा है, अपना नाम लिख दो, राधा सीता गीता या मोहन श्याम जो भी लिखना है जो आपका नाम है, फिर आपका क्लास आ जाएगा, फिर आपका रोल नंबर आ जाएगा बगल में कोमा दे करके, ठीक है, तो एक हो गया आपका अप्लीकेशन। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उसमें भी कोई अप्लीकेशन लेके आएंगे, एक हम बना अप्लीकेशन एक लिख के लाएंगे, आपको समझा देंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी लर्निंग को बूस्ट करेगा। तो ठीक है बच्चों, आपका सहयोग ऐसे ही सतत बना रहे और हम आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आते रहें, तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।